वासियों को प्रदूषण से अभी राहत नहीं मिली है और जल्द ही लागू होगा ग्रैब 3। फिलहाल ग्रैब 2 जो है वो लागू हो चुका है, ग्रैब 3 भी जो है वो भी लागू किया जाएगा। वाहनों पर रोक लगेगी। यमुना में भी बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली में अभी सर्दी ने जोर भी नहीं पकड़ा है और आप समझ रहे हैं कि यहाँ की हवा हर गुजरते दिन के साथ दम घोटू होती जा रही है। यमुना में भी प्रदूषण का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। दिवालिया छत से पहले हवा में जहर और पानी में झा केमिकल ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं कंट्रोल करने के लिए प्रदूषण को। हालांकि देखिए प्रदूषण का हाल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, इसका असर कई अन्य राज्यों में भी देखा गया है। आगरा में प्रेम के प्रतीक ताजमहल पर भी धुंध की चादर चढ़ी हुई है, पॉल्यूशन की चादर चढ़ी हुई है, प्रदूषण की ऐसी चादर है कि किले से ताजमहल ठीक से देख नहीं पा रहे हैं लोग। वहीं बढ़ते प्रदूषण की वजह से बुजुर्गों और बच्चों को खांसी, आंखों में जलन, गले में खराश जैसी बीमारियां हो रही हैं। लोग बढ़ते प्रदूषण से परेशान हैं और खुद को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं बढ़ते प्रदूषण और दिल्ली के यमुना नदी में झाग वाले पानी को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेता इस बढ़ते प्रदूषण के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लग गए हैं। इस बीच दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली होती जा रही है। तो प्रदूषण की मार है और दिल्ली बेहाल है, दिल्ली परेशान है। दिवाली से पहले प्रदूषण आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहा है। दिल्ली में AQI लेवल जो है फिर से 400 के पार हो गया है, यानी कि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। ग्रैब के दूसरे चरण की पाबंदियां जो हैं वो लागू हो रही हैं। दिल्ली में लागू एक दिन में 100 से ज्यादा अगर हम देखें तो AQI लेवल जो है बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में सबसे ज्यादा गाड़ियों से हो रहा है प्रदूषण और दिल्ली में तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है। जाहिर है अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा तो इसका असर आपको कहीं ना कहीं टेम्परेचर पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। और वही स्थिति जो है फिलहाल देखी जा रही है। दिवाली नज़दीक है, सर्दियां नज़दीक है और उससे पहले दिल्ली में हर साल जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता है कुछ वैसा ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो चलिए कुछ जानकारियां साझा कर लेते हैं आपके साथ ग्राफिक्स के जरिए। हवा में क्या है, हमारे वायुमंडल में हवा मुख्य रूप से 2 गैसेस से बनती है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है, जरूरी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हालांकि हवा में कई अन्य गैसों और कणों की भी कम मात्रा होती है। AQI 5 प्रमुख वायु प्रदूषकों की ट्रैक करता है। जमीनी स्तर पर ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हवा में मौजूद कण, ये एरोसोल जमीनी स्तर पर ओजोन और हवा में मौजूद कण 2 वायु प्रदूषक हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करते हैं। वो स्मॉग के 2 मुख्य तत्व भी हैं जो वायु प्रदूषण का एक प्रकार है जो विजिबिलिटी को भी कम करता है। और फिलहाल अगर हम देखें स्थिति वो काफ़ी गंभीर नज़र आ रही है, जिस तरह से धीरे धीरे विजिबिलिटी जो है वो भी कम होती जा रही है। और विजिबिलिटी के पीछे की वजह फिलहाल कोहरा या धुंध नहीं है, ये वजह है प्रदूषण, जिसकी वजह से जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि अगर देखें आगरा किले से ताजमहल तो इनके बीच की जो दूरी है नॉर्मली इसे जब यमुना के किनारे से देखते हैं तो साफ नज़र आती है दूसरी इमारत, लेकिन फिलहाल ये फीकी नज़र आ रही है, कम विजिबल नज़र आ रही है, धुंधली नज़र आ रही है और बड़ी वजह जो है इसके पीछे प्रदूषण है। चलिए तो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि हवा में किस तरह से जहर फैल रहा है। इसके साथ साथ ये भी बता देते हैं कि कैसे मापी जाती है एयर क्वालिटी, जो हम AQI का जिक्र करते हैं, ये आखिर मापा कैसे जाता है। वायु गुणवत्ता को सूचकांक या AQI से मापा जाता है। AQI एक थर्मामीटर की तरह काम करता है जो कि 0 से 500 डिग्री तक चलता है। हालांकि तापमान में बदलाव दिखाने के बजाय AQI हवा में प्रदूषण की मात्रा में बदलाव दिखाने का एक तरीका है। अगर किसी क्षेत्र का AQI 0 से 50 के बीच है तो AQI अच्छा माना जाता है। 51 से 100 AQI होने पर संतोषजनक है।
101 से 200 के बीच मध्यम माना जाता है, और अगर किसी जगह का AQI 201 से 300 के बीच हो तो उस क्षेत्र का AQI खराब माना जाता है, और अगर AQI 301 से 400 के बीच हो तो बहुत खराब। 401 से 500 के बीच AQI होने पर गंभीर श्रेणी माना जाता है। वायु प्रदूषण से कई तरह की बीमारियां हो सकती है। इसी के आधार पर दिल्ली NCR में ग्राफ श्रेणियों की पाबंदी जो है लगाई जाती है। ये भी बता दें कि ग्राफ 2 लागू होने के बाद 5 प्रमुख पाबंदियां जो हैं लगाई गई, जैसे कि कंस्ट्रक्शन फिलहाल कुछ महीनों के लिए बंद कर दिया गया है ताकि ज्यादा धूल जो है वो ना उड़े और कुछ स्थिति जो है वो नियंत्रित की जा सके। इस बीच ये भी बता देते हैं कि ग्राफ क्या होता है। देखिए, एयर क्वालिटी के विषय में बताया, ग्राफ क्या होता है ये बता दें। ग्राफ का मतलब क्या है? देखिए, ग्राफ का जो फुल फॉर्म है वो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये सरकार की एक योजना है जिसे दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ बनाया गया है। इस प्लान के जरिए प्रदूषण को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। दरअसल इसके कई चरण हैं और ये चरण भी बढ़ते प्रदूषण के साथ बढ़ते जाते हैं, इन्हें लागू किया जाता है। जैसे जैसे चरण बढ़ते हैं वैसे वैसे दिल्ली में पाबंदियां भी बढ़ती जाती हैं, यानी कि ग्राफ 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, इस तरह से इसे बढ़ाया जाता है। तो ग्राफ के विषय में आपको बता रहे कि ग्राफ क्या होता है, ये भी आपको बताएंगे कि ग्राफ के कितने चरण होते हैं और किस तरह से इन्हें लागू किया जाता है, इन्हें रेगुलेट किस तरह से किया जाता है, इनके मतलब क्या है और किस चरण में क्या क्या पाबंदियां होती हैं। तो ग्राफिक्स आप लगातार देखते रहिए। इस बीच देखिए, ये भी बता दूँ कि ग्राफ के 4 चरण होते हैं, और जब दिल्ली में हवा 201 से 300 AQI तक खराब होती है तो पहला चरण जो है, पहला फेज जो है वो लागू किया जाता है। इसके बाद अगर हवा ज़्यादा ख़राब होती है और AQI 301 से 400 तक पहुंच जाता है तो उसका दूसरा चरण लागू हो जाता है। अगर हवा ज़्यादा ख़राब हो जाए, यानी कि AQI 400 से भी ज़्यादा हो जाए, तो तीसरा चरण जो है वो लागू करना पड़ता है। हालात ज़्यादा ख़राब होने पर, बदतर होने पर ग्राफ का चौथा लेवल जो है वो लागू कर दिया जाता है। दिल्ली NCR में ग्राफ 2 के तहत ये पाबंदियाँ लागू हैं। फिलहाल क्योंकि ग्राफ 2 लागू है इसलिए आपको पाबंदियाँ बता दें। डीजल जनरेटर चलने पर रोक रही है, रोक जो है फिलहाल लागू है। प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जा रहा है। प्रतिदिन सड़कों पर मैकेनिकल वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव जो है वो होना है। CNG इलेक्ट्रिक बसेस और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा ताकि लोग अपनी गाड़ियों को घर पर छोड़कर पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल करें और प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। RWA अपनी सिक्योरिटी गार्ड को हीटर देंगे ताकि वो गर्माहट के लिए, खुद को गर्म रखने के लिए, सर्दी को दूर भगाने के लिए कूड़ा, लकड़ी या फिर कोयला ना जलाएं। नेचुरल गैस, बायोगैस, LPG से चलने वाले जनरेटर चल सकेंगे। 800 kWA से ज़्यादा क्षमता वाले जनरेटर तभी चल सकेंगे जब वो रेट्रोफिटिंग करवाएंगे। तो ये तमाम वो सूचियाँ हैं, ये तमाम वो पाबंदियाँ हैं जो कि फिलहाल लागू है ग्राफ 2 के तहत। लेकिन आप समझ लीजिए, अगर स्थिति नियंत्रित नहीं होती है, कंट्रोल नहीं होती है और ज़्यादा भयावह होती है, ख़राब होती है, तो धीरे धीरे जो स्तर है ये और बढ़ाया जाएगा। तो लगातार सरकार द्वारा सचेत तो किया जा रहा है, लेकिन इस बीच आम जनता से भी उम्मीद की जा रही कि वो भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करे, समझदारी दिखाए और जितना हो सके प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल ना करके पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल करें, ताकि क्योंकि देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो उन वाहनों की वजह से है जो कि सड़कों पर दौड़ते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस वक्त चूँकि ऑफिस आवर्स शुरू हो गए और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो सड़कों पर वाहनों की संख्या आपको इतनी ज़्यादा मिलेगी कि हर जगह जाम की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। सिर्फ जाम की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी बल्कि कहीं ना कहीं बड़ा कंट्रीब्यूट ये करेंगे पोल्यूशन को बढ़ाने में। देखिए लगातार सरकार की तरफ से कदम तो उठाए जा रहे हैं और ये हर साल होता भी है। ये भी कहा जा रहा है कि ग्राफ 3 जो है वो जल्द लागू होगा और कुछ और पाबंदियां जो है वो भी लागू की जाएंगी।